बच्चों सुप्रभात। कक्षा 9वीं हिंदी में आज हम व्याकरण के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे रस और रस के प्रकार। पहले हम देखेंगे रस की परिभाषा। रस एक अच धातु के योग से बना है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है सार या आनंद प्राप्त होना, अर्थात जिस रचना को सुनकर या पढ़कर देखकर पाठक को अच्छा लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं और हमें कोई कविता बहुत अच्छी लगती है, उससे हमें इतना अच्छा लगता है कि जैसे सामने वो चित्र आ रहा हो, जैसे कृष्ण भगवान की कविता, तो ऐसा लगता पढ़ते हुए कि जैसे कृष्ण भगवान जी दिख रहे हैं, उनकी सारी लीलाएं हमें प्रतीत हो रही हैं, तो हमें आनंद आता, उसी को हम क्या बोलते हैं रस। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस का सूत्र दिया और विभावा नुभावी लिख्या विचारी संयोग रस निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव या व्याचार भाव प्रचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति को होती है और स्थायी भाव की प्राप्ति होती है। क्या है परिभाषा? काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, है ना बच्चों? रस के अंग या भाव क्या होते हैं? रस के भी कई प्रकार के भाव होते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव में क्या होता है? ऐसे भाव जिनमें संस्कार रूप में स्थित होते हैं और चिरकाल तक रहने वाले, अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते और चिरकाल लेने आने वाले उसमें अर्थात स्थिर और प्रबल हो जाते हैं। फिर विभाव, विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण अर्थात स्थायी भावों को, भाव को जागृत करने वाले कारण, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारणों को हम विभाव बोलते हैं। विभाव के भेद हैं आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है ये कि उदाहरण में क्या दिया है कि रास्ते में चलते समय अचानक बड़ा सा सांप दिखाई देने से भय नामक स्थायी भाव पैदा हो जाते हैं। इसमें क्या है? रास्ते में अचानक सांप दिखना, है ना? रास्ते में अचानक सांप दिखना, सांप दिखना, इसका क्या हो गया? इसमें सांप दिखना यानी हम जागृत हो गए ना भय के डर से, स्थायी भाव हमें आलंबन हुआ और हम जागृत हो गए। फिर है आलंबन विभाव के भेद, इसमें है आश्रय और आलंबन। आश्रय में देखेंगे कि जिसके मन में जागृत होता है भाव से हम आश्रय, जैसे राम यशोदा, है ना, हम राम राम बोलते हैं, यशोदा मैया कृष्ण जी की आता है, वैसे हम उन्हीं को जैसे हम राम राम बोलते तो ये आश्रय हुआ, यानी हम उनके साथ आ रहे हैं, है ना। जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय यानी क्या होता है? सहारा, भगवान भरोसे से बोलते हैं ना। फिर आलंबन, जिसके मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। जिसके मन में भाव जागृत होता है उसको हम आश्रय या सहारा, है ना, और जिसके प्रति जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। सीता कृष्ण, सीता कृष्ण, सीता के प्रति राम, है ना, कृष्ण में राधा। तो फिर है उद्दीपन विभाव, आलंबन की वे क्रियाएं जिनके कारण, आलंबन की वे क्रियाएं जिनके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है उसे उद्दीपन में
का जन्म होता है उसे कर्म कहते हैं। इसमें प्रकृति की क्रियाएं भी आती हैं, जैसे कि ठंडी हवा चलना, क्या है उदाहरण, जैसे कि ठंडी हवा चलना, रात की चांदनी में चांदनी होना, कृष्ण का घुटनों के बल चलना, ये क्या है, उद्दीपन है। फिर अनुभव, वो फोन की रिंग टोन बदल गई, अनुभव का शाब्दिक अर्थ है अनुभव करना। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उत्पन्न होती है, उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, सांप को देखकर बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना कि सांप सांप निकला, सांप निकला, सांप निकला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाह्य चेष्टाओं से भी अन्य व्यक्तियों को प्रकट होता है, उसे भी हम भय, है ना, ये क्या लिखा है, भय का भाव जागना। फिर है अनुभव के भेद, अब इधर अनुभव के भी भेद बताए, क्या कार्थिक अनुभव, वाचिक, सात्विक, आहार, कार्थिक कहने वाला, वाचिक यानी बोलने वाला, सात्विक यानी सुनने वाला, है ना, आहार यानी अनुभव, ऐसे कई प्रकार के अनुभव होते हैं, अनुभव के भेद हैं। फिर है कथित यानी आश्रय द्वारा इच्छा पूर्व की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं, जैसे कथित यानी उछलना, कूदना, इशारा करना, वाचिक यानी वाणी के द्वारा की गई, है ना, बोलना, किसी को कुछ बोलना, किसी से बात करना, ये वाचिक। फिर जिन शारीरिक क्रियाओं द्वारा या द्वारा आश्रय का कोई विकार वश नहीं होता उस पर, बल्कि वे स्थायी भाव से उत्पन्न होने पर स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं और सात्विक अनुभव कहलाते हैं। क्या है, जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, बल्कि वे स्थायी भाव के उत्पन्न होने से स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, वे सात्विक भाव। सात्विक भाव आठ प्रकार के होते हैं, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेपत्र, स्वर्वम, है ना, सात्विक भाव के भी कितने आठ प्रकार होते हैं, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय या मूर्छा। आहार है कि आहार का सात्विक अर्थ है कृत्रिम वेशभूषा, किसी भी वेशभूषा को देखकर मन में जो भाव जागते हैं उन्हें आहारिक अनुभव कहते हैं। संचारी भाव व्याभिचारी है, कैसा कि भाव संचार होते हैं, आज से मनोविकारों को हम संचारी भाव या व्याभिचारी कहते हैं। फिर रस के भेद, रस के कितने प्रकार होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र, भयानक, है ना, श्रृंगार यानी सजावट, सौंदर्य, सजावट, सौंदर्य, है ना, इसका वो है स्थायी भाव, क्या है, सौंदर्य। फिर हास्य का हंसना, हंसना, करुण रस दया, है ना, वीर रस, वीर रस का क्या हुआ, उत्साह, है ना, उत्साह। रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, डर लगना, भय, है ना, विभत्स का, विभत्स यानी रहस्यमय, अद्भुत यानी ये भी रहस्यमय, है ना, शांत रस यानी शांति, इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या अर्थ है, उदाहरण सहित पढ़ेंगे हम इनको और भी आगे, बच्चों, है ना, इनके उदाहरण भी हम पढ़ेंगे। अब है क्या, अद्भुत रस, क्या बताया था,